वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। फिर से लेके आए बहुत इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टॉपिक, बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड। बाइंग सिचुएशंस की बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, आज बात करेंगे बाइंग बिहेवियर्स की। क्या आप कभी शॉपिंग करते हुए सोचते हैं कि आप एक प्रोडक्ट को परचेज करते हुए कितना ज्यादा इन्वॉल्व है? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। उसी इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड आज बात करेंगे चार डिफरेंट बाइंग बिहेवियर की, जिसमें से पहला है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और इंपल्स बाइंग बिहेवियर। इंपल्स बेसिकली मींस कि बहुत सडनली व्हेन यू रिएक्ट, हैबिचुअल मींस कि आप अपने हैबिट से जो परचेज करते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स जिनकी आपकी एक हैबिट बनी हुई है, जो रूटीन में आप परचेज करते हैं, बहुत ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ब्रांड्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा और यू कैन वेरी इजिली रिलेट इट टू योर सेल्फ। अगर आपको डेयरी पे सुबह मदर डेयरी का दूध नहीं मिला तो आप अमूल का दूध परचेज करके लाएंगे, आप बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, आप बहुत ज्यादा उसके बारे में एनालाइज नहीं करेंगे, यार आज मदर डेयरी का दूध नहीं मिला तो अमूल का दूध पीना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट है उनके फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहां पे इंपल्स बाइंग बिहेवियर में आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। बहुत बार आप लोग इंपल्स बाइंग बिहेवियर ऐसे भी करते हैं कि आप जा रहे हैं कहीं पे शॉपिंग करने के लिए और आपको कुछ नया और सस्ता प्रोडक्ट दिखा, आपने उठा लिया। जैसे लेज की अगर बात करें, सेंटर फ्रेश की अगर बात करें, आप कन्फेक्शनरी पे गए और आपको लगा चलते चलते यार एक 5 रुपए वाली सेंटर फ्रिश और उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंपल्सिवली उस डिसीजन को लेते हैं और उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंपल्स बाइंग बिहेवियर। लेकिन अब मार्केटर को यहां पे क्या करना चाहिए, मार्केटर को बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, ताकि आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड रहे कंज्यूमर के माइंड में, क्योंकि ब्रांड्स में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो देर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, काफी ज्यादा ब्रांड्स है उसके अंदर। अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है कंज्यूमर के माइंड में तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉम्पिटिटर को परचेज कर लेगा। तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर और इंपल्स बाइंग बिहेवियर में आपको एडवर्टाइजमेंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड जो बाइंग बिहेवियर की बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड वेराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। यहां पे यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, यहां पे अगेन इन्वॉल्वमेंट आपकी अभी भी कम है लेकिन ब्रांड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो यू नीड टू चूज अमंग बिटवीन द डिफरेंट ब्रांड्स। तो यहां पे एग्जांपल लेंगे, छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। लेट्स अज्यूम कि आप पिछले 2 हफ्ते से ओरियो का बिस्किट कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ओरियो बहुत ज्यादा पसंद है, आपको चॉकलेट बिस्किट्स बहुत ज्यादा पसंद है और आप ओरियो कंज्यूम कर रहे हैं और आपको खा के अब आपको लग रहा है यार कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बोर हो गया, अब मुझे ओरियो नहीं खाना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कन्फेक्शनरी पे जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए तो यू ऑप्ट फॉर हाइड एंड सीक, आपको लगता है हाइड एंड सीक ट्राई करते हैं। आप ओरियो से सेटिस्फाइड थे, ऐसा नहीं कि आपको ओरियो से ओरियो इज नॉट ए गुड प्रोडक्ट, लेकिन अब आपको लग रहा है हाइड एंड सीक ट्राई करते हैं, तो वैरायटी आपने सीख की। बहुत ही रिलेटेबल इसका एक एग्जांपल दूंगा, बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे और बताऊंगा मार्केटर्स को क्या करना चाहिए। आप मान लीजिए कि 3 महीने से आप एक फेस वॉश यूज कर रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि आप पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने से आप बार बार पॉन्ड्स का फेस वॉश यूज कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, इट सूट्स योर स्किन, लेकिन सडनली जब आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाते हैं आपको लगता है कि यार इस बार ना कुछ चेंज करते हैं, इस बार हम लैक्मे का फेस वॉश ट्राई करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ डिओड्रेंट्स के केस में, परफ्यूम के केस में, वी ट्राई टू सीक फॉर वैरायटी। अब यहां पे लेकिन मार्केटर को क्या करना चाहिए, मार्केटर को यहां पे अपनी अलग अलग ब्रांड्स निकालनी चाहिए। बेस्ट एग्जांपल है एचयूएल का, एचयूएल का डव भी है, एचयूएल का लैक्मे भी है, एचयूएल का पॉन्ड्स भी है, तीनों के फेस वॉश आते हैं, क्योंकि उसको पता है कंज्यूमर को चाहिए चेंज, कंज्यूमर को चाहिए वैरायटी। एचयूएल चाहता है लेकिन कंज्यूमर जब भी वैरायटी चेंज करे तो मेरा ही प्रोडक्ट परचेज करे, प्रॉफिट मेरे ही पास आना चाहिए, पैसा मेरे ही पास आना चाहिए, इसलिए मैं अलग अलग प्रोडक्ट निकाल देता हूं। तीसरे जो बाइंग बिहेवियर की बात करेंगे, That's called dissonance reducing buying behavior. यहां पे मुझे लगता है अब इसमें इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज्यादा है, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी क्योंकि धीरे धीरे आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है। यू डोंट बाय दीज प्रोडक्ट सो ऑफनली। अगर हम बात करें टीवी की, बात करें कारपेट की, बात करें, यहां पे ब्रांड्स में डिफरेंस बहुत कम है उस प्राइस रेंज के अंदर। अगर मैं बोलूं कि LG, सोनी और सैमसंग, आप इनके 35,000 to 40,000 का अगर आप टीवी परचेज करते हैं, LED परचेज करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम आपको फीचर्स उसके अंदर मिलेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपकी चॉइस, आपके आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है। वहीं पे अगर हम बात करें, आप जाते हैं कारपेट परचेज करने के लिए, 25,000 की रेंज में आपको कारपेट परचेज करना है, तो आपको बहुत सारी सेम ब्रांड्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, ऑलमोस्ट सिमिलर वैरायटी मिलेगी, लेकिन आपको देखना है कि आपकी डायमेंशंस को, आपको कौन सा कलर चाहिए, आपको कौन सा सूट करता है, सो दैट परचेज करने के बाद घर जाके आपको यह ना लगे कि यार मैंने कहीं गलत प्रोडक्ट तो परचेज नहीं कर लिया। तो वो डिसोनेंस को रिड्यूस, अब मार्केटर इस डिसोनेंस को कैसे रिड्यूस करे, मार्केटर को यहां पे आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा मैटर करती है। व्हेन यू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर 25,000, 30,000, 40,000 जो आप बहुत ऑफनली परचेज नहीं करते, तो मार्केटर को वहां पे आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने कस्टमर से टाइम टू टाइम पूछते रहना चाहिए, सर आप सेटिस्फाइड है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड
डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। चौथे पे आएंगे एक्सटेंसिव बाइंग बिहेवियर। अब जब एक्सटेंसिव की बात करें, काफी महंगा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो वंस इन अ लाइफ, कभी कभी ऐसा होता है वंस इन अ लाइफ यू बाय दिस प्रोडक्ट, और यू कांट अफोर्ड टू बाय अ रॉन्ग प्रोडक्ट। अगर आपने गलत प्रोडक्ट परचेज किया, यू कांट अफोर्ड इट। एग्जाम्पल लेंगे, अगर आपको घर परचेज करना है, एग्जाम्पल लेंगे अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है, काफी कॉस्टली लग्जरी कार परचेज करनी है आपको, इफ इट्स कॉस्ट अराउंड 50 लाख 60 लाख 70 लाख, तो आपको लगता है कि यार अब ये प्रोडक्ट परचेज करने, अगर मैंने यहां पर गलती की, मैंने गलत प्रोडक्ट परचेज किया, तो यू कांट स्टेप बैक, वो डिसीजन चेंज नहीं हो सकता। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, ब्रांड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप ऑडी को कंपेयर करेंगे बीएमडब्ल्यू के साथ, तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। अगर आपको दो अलग अलग लोकेशन पे घर लेने हैं, तो दोनों के अलग 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 फीचर्स होंगे, दोनों का अलग अलग प्राइस होगा। तो जहां प्राइस बढ़ जाता है, जहां इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, जहां ब्रांड्स में चॉइसेस बढ़ जाती हैं और ब्रांड्स में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव बाइंग बिहेवियर। अब यहां पे मार्केटर को क्या करना चाहिए, मार्केटर को यहां पे ज्यादातर ट्राई करना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर के साथ वन टू वन डील कर पाए, उसको कहीं ना कहीं आप गारंटी वारंटी के बारे में बात कर पाए, कहीं ना कहीं आप उसके फीचर्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर पाए, डाटा दे पाए कि भाई दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेरी गुड, और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिश करना चाहिए। प्रिंट मीडिया इज वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंसिव बाइंग बिहेवियर। तो दीज आर द फोर बाइंग behaviors that we discussed today. और मेरी अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, फिर से बात करेंगे कुछ ऐसी तीन बायर्स की कैटेगरी की, जिसमें से एक कैटेगरी को आप भी बिलोंग करते हैं, और मेरे को कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो के रिगार्डिंग बताइए कि क्या आप जब प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, तो क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी होती है, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो आई कैन बेट वो कुछ नया होने वाला है और आपने शायद उसके बारे में नहीं सुना होगा। तो अगर मैंने थोड़े से टाइम में किया अच्छे से डिस्क्राइब, तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वी सेशंस।